हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल इमरान लर्निंग क्लासेस। सो गाइस, मेरा नाम है इमरान। आई होप यू ऑल आर आइडेंटिफाई विद मी। ओके, आप सभी लोग मुझसे क्या परिचित ही हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कई वीडियोस में भी। सो गाइस, आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रूट्स नेम, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाले हैं। आज की इस लेक्चर में हम उन्हीं फ्रूट्स नेम को मेंशन करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। ओके, और उन्हीं फ्रूट्स नेम को डिस्कस करेंगे जो कि आज तक आप सभी को यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी नहीं डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो आज का ये लेक्चर इसलिए बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला। ओके, सो वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वॉच करना। सो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो को। सो गाइस, फर्स्ट मीनिंग इज, डू यू नो हिंदी मीनिंग ऑफ टैमेरिंड? स्पेलिंग इज TAMARIND। सो गाइस, टैमेरिंड की हिंदी मीनिंग क्या है गाइस? इमली। क्या है टैमेरिंड की मीनिंग? क्या होता है? इमली। ओके, नेक्स्ट वन कैरम्बोला। स्पेलिंग इज CARAMBOLA। ओके, सो कैरम्बोला की हिंदी मीनिंग क्या होती है गाइस? अमरक। कैरम्बोला मीन्स क्या होता है? अमरक। ओके, नेक्स्ट वन पोमीग्रेनेट। डू यू नो हिंदी मीनिंग ऑफ पोमीग्रेनेट? पोमीग्रेनेट मीन्स क्या होता है? अनार। स्पेलिंग इज POMEGRANATE। ओके, सो पोमीग्रेनेट मीन्स क्या होता है? अनार। इसका प्रेजेंटेशन क्या है? क्या इसे गाइस उच्चारण में बोलोगे? पोमीग्रेनेट। ओके, सो पोमीग्रेनेट मीन्स क्या होता है? अनार। आई होप इस मीनिंग को आप सभी लोगों को नहीं पता था। देखिएगा कितनी यूजफुल मीनिंग है। आप सभी को स्कूल में भी अभी तक नहीं बताई होगी अनार की इंग्लिश मीनिंग। लोगों को सेब की मीनिंग बता दी गई होगी, एप्पल, वही बनाना, वही ग्रेप्स, यही चीज़ें बता दी जाती हैं, ऑरेंज। बट आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है, जो आप सभी लोग यूज़ करते हैं, जिनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्ड्स में, अपने ईटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स नेम में यूज़ करते हैं, ईट करते हैं। ओके, सो इन मीनिंग्स को आप सभी को नहीं डिस्कस किया जाता। सो इसलिए मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। आज के लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ्रूट्स नेम मीनिंग मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो गाइस बने रहेगा वीडियो के अंत तक। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी भी डिस्कस किया, पोमीग्रेनेट मीन्स क्या होता है? अनार। नेक्स्ट वन मोजाम्बी। स्पेलिंग इज MOZAMBIE। ओके, सो मोजाम्बी मीन्स क्या होता है गाइस? मौसमी। जैसा कि आप सभी लोग खाते भी होंगे, फ्रूट्स नेम में ही आता है। ओके, नेक्स्ट वन मलबेरी। स्पेलिंग इज MULBERRY। मलबेरी मीन्स क्या होता है गाइस? शहतूत। जैसा कि आप सभी लोग खाए हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ईटिंग किए होंगे। जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका ईटिंग किए ही हैं। ओके, नेक्स्ट वन चूज बेरी। स्पेलिंग इज COOSE चूज BERRY। चूज बेरी मीन्स क्या होता है गाइस? करौंदा। क्या होता है? करौंदा। जैसा कि विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स नेम में देखने को मिलता है। ब्लैकबेरी। स्पेलिंग इज BLACK ब्लैक BERRY। ब्लैकबेरी मीन्स क्या होता है गाइस? जामुन। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इसकी सिनोनिम मीनिंग की। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, ब्लैकबेरी मीन्स क्या होता है? जामुन। अगर हम जामुन की एक और मीनिंग की बात करें, जो और एक मीनिंग है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, आप सभी को जानना बहुत बेहद ज़्यादा जरूरी है। स्पेलिंग इज रोज एप्पल। स्पेलिंग इज ROSE रोज APPLE। रोज एप्पल मीन्स क्या होता है गाइस? जामुन ही होता है। ओके, आल्सो वी कैन से जामुन। ओके, रोज एप्पल मीन्स क्या होता है? जामुन। क्योंकि नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। ओके, स्टार फ्रूट। डू यू नो हिंदी मीनिंग ऑफ स्टार फ्रूट? स्पेलिंग इज STAR FRUIT। स्टार फ्रूट मीन्स क्या होता है गाइस? अमरक। क्या होता है गाइस? अमरक। जैसा कि विलेज में ही ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रूट्स आप सभी को देखने को मिलते हैं। गाइस मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बता देना कि आप सभी को आज का ये लेक्चर कैसा लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।